बेड़ो के महादानी मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होगी, जिसकी शुरुआत हिंदू नववर्ष के अवसर पर भव्य कलश यात्रा से हुई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं के साथ साथ छोटी छोटी बच्चियों ने भी भाग लिया, जिसे महादानी मंदिर से नगर भ्रमण करते हुए बाजार टांड बेड़ो होते हुए टूडू तालाब से जल उठाकर दुर्गा मंदिर तक की यात्रा की। इसमें लोकप्रिय विधायक गंगोत्री कुजूर ने इसकी विधिवत शुरुआत की तथा साथ में महिलाओं के साथ कलश यात्रा का भी आनंद लिया। इस कथा वाचन में व्यासाचार्य पंचानन गोस्वामी कथा का रस वाचन करेंगे और सभी भक्त इसका रसपान करेंगे। ये बातें कथा के आयोजक मुकेश कुमार राय ने हमारे संवाददाता से की। पेश है हमारे संवाददाता मनीष कुमार के साथ सहयोगी राजकिशोर राय की रिपोर्ट। आपको मैं बता दूं, जो ये है श्रीमद् भागवत गीता का ये महायज्ञ जो यहाँ पर होने का है, और पूरे सृष्टि का जीवन आधार है। और इस ये में आप देखेंगे कि एक विश्वास, एक श्रद्धा, उपासना, धर्म से जुड़े, संस्कार से जुड़े हैं। और ऐसे भाव में ये समन्वय सबसे पहले बड़ी बात तो है कि सारे गांव-गांव से लोग यहाँ पर ये करके अपनी श्रद्धा के लिए, यानी और किसी भी तरह की कोई बात नहीं। और जहाँ इस तरह की पूजा भाव होता है, अपने को समर्पण देने का भाव होता है, अब देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, ये 8 बजे से का ये था कार्यक्रम प्रारंभ, मैं प्रारंभ का ही ये करके यहाँ से बस मेरा ये हुआ। ये पूरे बच्चों के अंदर हम कैसे हस्तांतरित करें संस्कार और संस्कृति, इसका भी एक द्योतक है। और सारे लोग एक साथ, अगर आप देख रहे हैं कहीं कोई भेदभाव नहीं, सभी लोग अपने सर पे कलश लेके माँ की उपासना की, धर्म की रक्षा थे सारे लोग। तो इसे यही है कि सभी ये पे मातृभूमि के साथ, अपने देश हित के साथ, अपने धर्मों का भी पालन। आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, यस। ये आज नवरात्र का प्रथम ये है, प्रथम प्रतिपदा जो हिंदू ये से मानते हैं, इसका प्रथम प्रतिपदा जो हमारा ये होता है, उसके हिसाब से सारे लोग एक जैसे बात करते हैं। हिंदुस्तान में समाज के अंदर सभी लोग होते हैं, और सभी के अंदर समन्वय की भाव होना चाहिए, सद्भावना की भाव होना चाहिए, आदर सम्मान की भाव होना चाहिए। ये सभी कुछ समर्पण अपने देवता को होना चाहिए, क्योंकि देव हरे के अंदर है। कण कण में भगवान की जब हम बात करते हैं तो सभी के अंदर ये चीज़ें हैं, और उस भाव को जो अंदर सभी भाव है उसमें यह सबसे ऊपर हो, सर्वोपरि हो, इस भाव को लोग अपने ऊपर समाये। उसके बाद जैसा पूजन के बाद आगे किया जाएगा उसी तरह के सभी कार्य को मैं पंचानन गोस्वामी श्रद्धाम वृंदावन के श्रद्धाम से यहाँ पर आया हूँ। वाणी जी के द्वारा संपर्कित यहाँ पर एक बहुत बड़ा कथा आयोजन है, 7 दिन का भागवत सप्ताह, जिसके माध्यम से देश, समाज, राष्ट्र के लिए एक मार्गदर्शन है, इस प्रकार होती है मनुष्य उस भागवत में क्या है, भगवान आकर के देश, समाज, राष्ट्र के लिए क्या किया, उन सारे विषय को उसमें प्रमाणित किया गया है। उस 7 दिन में हमने एक 7 दिन का कोर्स है, उस कोर्स के माध्यम से उसको स्पष्टकरण कर देंगे कि भगवान जो किए हैं मनुष्य को कैसे अपने जीवन जीना चाहिए, ये सारी कलाएं भागवत में वर्णन है। उसको हमने 7 दिन तक अपने समाज में बा जो भी श्रोता आएंगे उनको सुनाया जाएगा। कि आप मुख्य आयोजन करता है, आप इसके बारे में कुछ बतलाएंगे? जी, ये कथा
श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ ये 7 दिन की कथा है, जो 7ों दिन यहाँ शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। अंत में सबके लिए भंडारा का आयोजन है। आज दिनांक 6/4/2018 को भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की महिलाएं शामिल हुई और हमारे प्रवचनकर्ता रवि गुप्ता, रमेश प्रसाद गुप्ता, दशरथ गोप, अंकित सोनी, इलू और गंदूर गोप, इतने सारे लोग सभी लगे हुए हैं, सारे बेड़ोवासी लगे हुए हैं, सभी ग्राम से लोग आए हैं। इसमें सारी व्यवस्था गांव के सहयोग से, एक एक मुट्ठी चावल निकाल के और कुछ सहयोग दान दे के यहाँ लेके आ रहे हैं। आपसे आग्रह है,